सत श्री अकाल, स्पीड न्यूज देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तख्त श्री हरिमंदर जी पटना साहिब विखे नतमस्तक हुए थे, गुरु जी का आशीर्वाद लिया। पीएम मोदी ने सिर से केसरी दस्तार सजा के गुरुद्वारा साहिब मत्था टेकया, कड़ा प्रसाद की देख करवाई, देश की सुख शांति की अरदास की। इस तो बाद पीएम मोदी लंगर हाल में पहुंचे, जिस दौरान उन्होंने संगत में लंगर वरताया। इस दौरान पीएम मोदी ने खुद प्रसादे भी तैयार किए, लंगर में सेवा की। दस दिए कि पीएम इन्नी दिनी बिहार के दौरे पर ने, जिस दौरान वह जिथे जनसभावां नूं संबोधन करनगे, उत्थे देर शाम अपने संसदीय खेत्र वाराणसी में रोड शो करनगे। पंजाबी साहित्य बाबा बोर्ड प्रसिद्ध पंजाबी लेखक कवि ते पंजाब कला परिषद के चेयरमैन पद्म श्री डॉक्टर सुरजीत पात्र का अंतिम संस्कार मॉडल टाउन एक्सटेंशन लुधियाना विखे सरकारी सम्मानों नाल कीता गया। उन्होंने अंतिम विदायगी मौके हर एक अख नाम से इस दुख की घड़ी में शरीक होने लई पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान खास तौर पर पहुंचे। उन्होंने डॉक्टर सुरजीत पात्र की अर्थी नूं मोढ़ा दिता। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने देह नूं फुलमालावां भेंट करके श्रद्धांजलि दी। दस दिए कि डॉक्टर सुरजीत पात्र का 11 मई दिन शनिवार को दिल का दौरा पैण कारण देहांत हो गया। उन्होंने देहांत तो बाद साहित्य जगत विच सोग दी रहर दौड़ गई। पटियाला तो संसद मैंबर परनीत कौर ने नामजदगी पत्र भरन तो पहला पटियाला इतिहासिक बुरज बाबा आला सिंह जी विखे मत्था टेकया, वाहगुरु का आशीर्वाद लिया। इस तो बाद संसद मैंबर परनीत कौर ने डिप्टी कमिश्नर कम जिला चोन अफसर के दफ्तर पहुंच के अपने नामजदगी पत्र दाखिल किए। इस मौके उन्होंने दे बेटी बीबा जयेंद्र कौर भी मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी की नेता ते दिल्ली महिला कमिशन की साबका चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहायश से उन्होंने करीबी ऋषभ कुमार से उस नाल कुटमार करने का दोष लाया। सूत्रों मुताबिक मालीवाल ने सवेरे करीब 10 बजे मुख्यमंत्री निवास तो इस संबंधी पीसीआर कॉल की। कॉल तो बाद दिल्ली पुलिस सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री की रिहायश से पहुंची स्वाति मालीवाल ने अज तक इस संबंधी पुलिस को शिकायत नहीं दी है। वह पहले मीडिया नाल गल करन जा रही है, फिर शिकायत दर्ज कराने लई दोबारा थाने आएगी। स्वाति ने एसएचओ नूं दस्सिया कि उसनूं मीडिया वालों के फोन आ रहे हैं। पुलिस सूत्रों अनुसार जदों पुलिस मौके पर पहुंची स्वाति नहीं मिली। इस तो बाद पुलिस ने उसनु बुलाया तो उसने कहा कि वह बाद में शिकायत दर्ज करवाएगी। खरड़ के दर्पण ग्रीन सोसायटी सामने घर च रहिंदे नौजवान का उसकी ही गर्लफ्रेंड के दोस्त वालों बेरहमी नाल कतल करने का मामला सामने आया। कतल हुए नौजवान की पछाण 22 साल तुषार उर्फ गोलू वजों हुई है, जो मूल तौर पर हरियाणा के जींद का रहने वाला है। अपने मापियां की कलौती औलाद से वारदात को करीब अद्धी रात वेले अंजाम दिया गया, जिसका सवेरे करीब 8:30 बजे आंढ़ गुआंढ़ के लोगों को पता लगदिया सार इसकी सूचना पुलिस हैल्पलाइन नंबर 112 दी गई। पीसीआर पार्टी ने मौके पर पहुंच के हालातों का जायजा लिया। अमृतसर में एसजीपीसी मुलाजम वालों खुदकुशी कर ली गई है। मृतक की पहचान चरणजीत सिंह वजों हुई है। मृतक श्री दरबार साहब के रिकार्ड कीपर विच काम करता सी। जानकारी अनुसार बीते दिन उच्च अधिकारियों से तंग आके मृतक ने शराब पी लिया से, जिस तो बाद गंभीर हालत में उसे हस्पताल दाखिल करवाया गया, जिथे उसने अज इलाज दौरान दम तोड़ दिया। इस मौके एसएचओ सरबजीत सिंह ने दसिया कि चरणजीत सिंह की पत्नी सिमरजीत कौर के कहने पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस समय लुधियाना की राजनीति च वखरा दबदबा रखने वाले बैंस भरावां ने हुण कांग्रेस का हाथ फड़ लिया। लोक इंसाफ पार्टी के मुखी सिमरजीत बैंस से उन्होंने भरा बलविंदर बैंस कांग्रेस में शामिल हो गए ने। दोहां भरावां ने नवी दिल्ली स्थित पार्टी दफ्तर च कांग्रेसी नेता राहुल गांधी नाल मुलाकात की। दस्या जा रहा है कि दोवें भरावां ने पिछले कई दिनों तो दिल्ली च डेरे लाए हुए सन। जानकारी अनुसार बैंस भरा हुण लुधियाना लोकसभा सीट तो कांग्रेसी उम्मीदवार ते पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंगली चोण प्रचार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार महाराणी परनीत कौर ने बनूर डेराबसी से जीरकपुर में भाजपा आगुओं वालों रखिया राजनीतिक जनसभावां में पहुंच के अपना चोन प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने अपने विचार अपने समर्थकों नाल साझे करदिया कहा कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी की बी टीम दोवां धिरां विचाले गुपचुप समझौता हो गया। मोदी तो इलावा किसी होर सियासी पार्टी के लीडर कोल देश प्रति कोई विजन नहीं है। जेकर पंजाब का विकास कांग्रेस के समय दौरान होया तो यह कैप्टन अमरिंदर सिंह की प्रधानगी हेठ ही हो सकया। केंद्रीय सेकेंडरी सिक्ख्या बोर्ड ने 12वीं जमात के नतीजे जारी कर दिए ने। इस साल लगभग 39 लाख विद्यार्थी 10वीं ते 12वीं जमात दी बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए सन। इन्हां सारे विद्यार्थियों का नतीजा सीबीएसई बोर्ड की अधिकारित वैबसाइट से जारी किया गया। 12वीं जमात में इस साल कुल पास प्रतिशतता 87.98% रही है। बोर्ड मुताबिक इस साल लड़कियों का नतीजा लड़कियों नालों 6.40% बेहतर रहा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री अहुदे तो हटाने वाली पटीशन सुप्रीम कोर्ट वालों आज खारिज कर दी गई है। जस्टिस खन्ना ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले पर असं फैसला नहीं ले सकते। दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना मामले में कोई एक्शन लेना चाहते हैं तो वह लैण। जिक्रयोग है कि शराब नीति घोटाले के दोषी अरविंद केजरीवाल फिलहाल अंतरिम जमानत ने ईडी ने उन्होंने 21 मार्च में गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी तो बाद भी उन्होंने मुख्यमंत्री अहुदे तो इस्तीफा नहीं दिता, जिसको लेकर संदीप कुमार नाम के शख्स ने पहला दिल्ली हाई कोर्ट में पटीशन लाई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने 50,000 रुपये का जुर्माना लाते 10 अप्रैल पटीशन खारिज कर दी।
बाजार च हाल ही च आई गिरावट से गृह मंत्री अमित शाह ने वड्डी भविखबाणी करदे कहा कि 4 जून नूं चोण नतीजे एलाने जाण तों बाद शेयर बाजार च तेजी आवेगी। हालांकि गृह मंत्री हाल ही विच आई गिरावट नूं लैके ज्यादा चिंता विच नहीं है। पिछले 6 महीनों की म्याद विच बेंचमार्क सूचकांक निफ्टी 12% तों वध, जदों कि 1 साल की म्याद विच लगभग 20% वध। उन्होंने कहा कि पिछले समय विच भी बाजार विच ज्यादा गिरावट आई है, जिस स्थिति च बाजार दी गतिविधियां नूं सीधे तौर ते चोणां नाल जोड़ना सियानप नहीं। श्री कीरतपुर साहिब विखे भाखड़ा नहर के थार गड्डी की डिगन का मामला सामने आया। जानकारी अनुसार चालक भी पानी के डुब गया। कुछ दूरी तक गड्डी पानी के उपर तैरती रही, पर जिवें ही गड्डी विच पानी भरिया तो गड्डी हेठां बैठ गई। मौके से पुलिस प्रशासन की टीम पहुंच गई तो उन्होंने वालों गोताखोरों की टीम को सद्या गया। नहर विच सर्च ऑपरेशन किया जा रहा, चालक से गड्डी लभण की कोशिशां जारी ने। चालक का कुछ भी पता नहीं लग सका। फिलहाल स्पीड न्यूज़ विच बस इन्ना ही। मैनूं दिओ इजाजत, धन्नवाद।